हाय फ्रेंड्स, प्रगति दिस साइड मेरे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में डेफिनेटली आता है। तो हम दो मेथड से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, शॉर्टकट मेथड, जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज जेई में भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। एंड सेकेंड, नॉर्मल मैथड, जो हमें सीबीएसई में अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैथड। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एल्गोरिथम करते हैं। इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम सीबीएसई एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड शॉर्टकट मेथड के लिए मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगी आप कैसे इजीली और कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के। सो एल्गोरिथम, फर्स्ट स्टेप, मेक फिगर इफ पॉसिबल, कोन, सिलेंडर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस टाइप के क्यूबॉइड, इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप फिगर बना सकते हैं, ठीक है। राइट गिवन क्वांटिटीज, जो हमें क्वांटिटीज गिवन है वो लिख लीजिए, जो हमें क्वांटिटी नहीं पता हमें निकालनी है वो लिख लीजिए। अननोन क्वांटिटीज को कैसे लिखोगे, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स लेके, ठीक है। उसके बाद हम इक्वेशन लिख लेंगे, जो हमें इक्वेशन मैक्सिमाइज करनी है या मिनिमाइज करनी है। देखो, आपके दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स आएंगे, अननोन वेरिएबल्स, और उसके अकॉर्डिंग ही दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस बनेगी, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, उन इक्वेशंस में से वेरिएबल्स को एलिमिनेट करके हम एक इक्वेशन बनाएंगे वन वेरिएबल की, ठीक है। एक इक्वेशन होगी वन वेरिएबल की, तभी हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। फोर्थ स्टेप में हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, और इस डेरिवेटिव को इक्वल्स टू जीरो रख के एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। एंड उसके बाद या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं, वो अप्लाई करके आप लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के पॉइंट्स फाइंड आउट कर लीजिए, और कितना मैक्सिमम वैल्यू है, कितनी मिनिमम वैल्यू है, उसके लिए आप फंक्शन में वो वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। सीबीएसई एग्जाम्स के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एंड जेई एग्जाम्स के लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कीजिए, बिकॉज उससे अर्ली भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज होंगी। हैव अ लुक। स्क्वायर का एरिया क्या होता है अगर साइड x है, x स्क्वायर। पैरामीटर क्या होता है, 4x। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है अगर लेंथ x है और ब्रेथ y है। एरिया इक्वल्स टू एक्स वाई, पैरामीटर इक्वल्स टू 2 × x + y। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सर्कल का एरिया क्या होता है अगर रेडियस r है तो पाई आर स्क्वायर। पैरामीटर क्या होता है, 2πr। स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है अगर r रेडियस है तो 4/3πr³, और उसका सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr². राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर मीन्स 90 डिग्री बन रहा है। वॉल्यूम क्या होगी अगर h हाइट है, r रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर है। सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr h + 2πr². एंड कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते, मींस ये क्वांटिटी हट जाएगी, सिर्फ 2πr h बचेगा। राइट सर्कुलर कोन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3πr² h। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, एल क्या है, स्लैंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है अगर एक्स वाई जेड लेंथ ब्रेथ और हाइट है रिस्पेक्टिवली, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड। सर्फेस एरिया क्या होगा, 2 × xy + yz + zx। क्यूब अगर साइज x है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगी, x³। सर्फेस एरिया क्या होगा, 6x². इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 × side²। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड टू नंबर्स। हमें क्या निकालना है, दो नंबर निकालने हैं जिनका सम है 24 एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। एज लार्ज एज पॉसिबल मीन्स हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम तक लेके जाना है। मीन्स ये प्रॉब्लम किसकी है, मैक्सिमाइज की, और मैक्सिमाइज हमें किससे करना है, प्रोडक्ट को। अगर मैंने प्रोडक्ट P से डिनोट किया है और जो दो नंबर्स हैं, लेट टू नंबर्स बी x एंड y, तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। हमें प्रोजेक्ट को मैक्सिमाइज करना है और हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमें फिगर बनानी थी, अब इसमें फिगर तो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड स्टेप में हमें नोन और अननोन क्वांटिटीज लिखनी है, और क्या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो लिखना है। मैक्सिमाइज हमें प्रोजेक्ट करना है, मैंने लिख दिया, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है, x एंड y टू वेरिएबल्स हैं, हमें इक्वेशन किस में कन्वर्ट करनी है, थर्ड स्टेप में वन वेरिएबल में। तो हमें दो इक्वेशंस मिलेगी, एक तो ये होगी, प्रोजेक्ट हमारा क्या होता है, x इंटू वाई, ठीक है। अब एक और चीज दे रखी है, दो दो नंबर्स का सम है वो कितना है, 24।
मीन्स x प्लस वाई कितना गिवन है 24, यहां से y कितना आ गया हमारा 24 माइनस एक्स, ये y आ गया, इसकी वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, क्या बन गया x इंटू 24 माइनस एक्स, दैट इज 24x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारी इक्वेशन आ गई वन वेरिएबल में जो हमें मैक्सिमाइज करनी है, p इक्वल्स टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गई। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव मींस p डैश x निकालेंगे, क्या हो जाएगा 24 माइनस 2x इक्वल्स टू जीरो रख के x की वैल्यू निकाल लो, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, f डबल डैश x निकालते हैं, p डबल डैश x निकालेंगे, क्या होगा माइनस 2। मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए हम कहाँ चेक करते हैं, जो हमने x की वैल्यूज निकाली है वहां पे सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, अगर लेस देन जीरो आ जाता है मींस लोकल मैक्सिमा, ग्रेटर देन जीरो आता है मींस लोकल मिनिमा। तो हम क्या निकालेंगे, p डबल डैश ऑफ x की वैल्यू क्या है 12, ये कांस्टेंट क्वांटिटी x है ही नहीं, तो ये कितना आ गया माइनस 2, मींस p डबल डैश 12 क्या आ गया माइनस 2, नेगेटिव मींस लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मींस x इक्वल्स टू 12 क्या है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, this implies x equals to 12 is a point of local maxima, y kya aayega y equals to 24 minus 12, ये कितना आ गया 12, y की वैल्यू भी 12 आ गई। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, दो नंबर्स फाइंड आउट करने थे, इस तरीके से करने थे कि उनका सम 24 हो जाए और उनका प्रोडक्ट जो है मैक्सिमाइज हो जाए, hence proved। second question is a square piece of tin of side 18 centimeter, square piece है जिसकी sides हमें कितनी given है 18 centimeter, square है means एक side 18 है तो बाकी की सारी sides 18 centimeter हो जाएंगी, is made into a box without top, हमें जो ये square piece given है tin का, इसको हमें box में convert करना है जिसका top नहीं है, by cutting a square from each corner, इस स्क्वायर के हर कॉर्नर को कट कर देना है, जैसे मैंने ये जो स्क्वायर्स के कॉर्नर हैं इनको कट कर दिया, जो ये कटेड कॉर्नर्स हैं ये भी तो स्क्वायर की फॉर्म्स में ही है, एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स, और जो ये बचे हुए ये फ्लैप्स हैं, दिस पोर्शन दिस पोर्शन, इनको यूज करके बॉक्स बनाना है, What should be the side of the square? ठीक है, square की side क्या? Let the side of square be x. X ले ली हमने side of the square, तो हमें x की value निकालनी है, इस तरीके से निकालनी है, so that volume of the box जो है वो maximum हो जाए। हमें क्या करना है? Maximize वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। अब देखो मैंने बॉक्स कैसे बनाया है, ये जो है ये मैंने बेस लिया है, ये जो बीच का पार्ट है दिस इज माय बेस, ठीक है, उसके बाद जो ये वाले हैं दिस फ्लैप्स, इनको मैंने यहां पे एडजस्ट किया है, और जो बॉटम और टॉप वाले हैं उन्हें मैंने ऊपर एडजस्ट किया है, तो मेरा बॉक्स बन गया ये। ठीक है, अगर मैं ये जो x साइड है ये लेट द कटेड स्क्वायर साइड बी x, ठीक है, हमें क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, कटेड साइड निकालनी है, इस तरह से निकालनी है साइड x, सो दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। ठीक है, हमें ये x निकालना है, ये जो कटेड साइड है, ठीक है, इनकी साइड निकालनी है x, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है, x इंटू वाई इंटू जेड होती है। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये मेरा 18 सेंटीमीटर है, और ये जो है मैंने x लिए हैं, दिस इज x, दिस इज x, दिस इज x, दिस इज x, ये मैंने x लिए हैं, तो मेरा जो ये पोर्शन आ गया ये कितना आ गया, ये सारी x साइड है, टोटल 18 है, दिस इज x, दिस इज x, ये कितना बच गया 18 माइनस 2x,
ऐसे ये भी 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, ठीक है। तो जो ये मेरा बेस था, बेस ये था, ये मेरा कितना आ गया 18 माइनस 2x, ये क्या हो गई लेंथ, और ये मेरी ब्रेथ है, ये भी कितनी होगी 18 माइनस 2x, क्योंकि ये भी 18 माइनस 2x है, ये भी 18 माइनस 2x है। अब मुझे हाइट देखनी है, अब देखो हाइट कितनी होगी मेरी x, बिकॉज ये जो है पोर्शन x है, x x x, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या आ गया, v इक्वल्स टू x इंटू 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x आ गया, इक्वल्स टू x इंटू 18 माइनस 2x होल स्क्वायर, ये हमारी वॉल्यूम आ गई, ठीक है। इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dv बाय dx। अब डेरिवेटिव को हमें क्या करना होता है, इक्वल्स टू जीरो सब्स्टिट्यूट करना होता है, मींस v डैश x इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x इक्वल्स टू जीरो। यहां से x की वैल्यूज क्या आ गई, x इक्वल्स टू 18/2 एंड x इक्वल्स टू 18/6, तो x की वैल्यूज क्या आ गई 9 एंड 3, ये आ गई x की वैल्यूज। अगर मैं x की जगह 9 रखती हूं तो ये मेरा 9 आ गया और ये मेरा 9 आ गया, 9 प्लस 9 18, और मुझे पता है मेरी कंप्लीट लेंथ कितनी है 18, कंप्लीट लेंथ भी 18 है और कटेड पोर्शन भी 18 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा टिन का जो स्क्वायर पीस है वो पूरा हमने काट दिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो x इक्वल्स टू 9 इज नॉट द केस, ये वैल्यू नहीं होगी, x इक्वल्स टू 3 वैल्यू होगी, ठीक है। तो जेई एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 इज द वैल्यू वेयर द वॉल्यूम इज मैक्सिमाइज्ड, किसकी वॉल्यूम, बॉक्स की वॉल्यूम। बट अगर सीबीएसई में क्वेश्चन आता है तो आप यहां नहीं छोड़ सकते, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपको शो करके दिखाना पड़ेगा। शो करने के दो तरीके होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एक्स क्या है हमारा 3 और वी डैश हमारा क्या आया था 18 माइनस 2x 18 माइनस 6x, ये आया था हमारा। आप माइनस 3 से पहले कोई वैल्यू लो, 2 लेते हैं, अगर x इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो जो वैल्यूज हैं ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मींस कंप्लीट हमारा पॉजिटिव आ गया। अगर x इक्वल्स टू 4 लेते हैं तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव, तो ये कंप्लीट क्या आ गया नेगेटिव, मीन्स यहां से जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है और उसके बाद वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट क्या होगा लोकल मैक्सिमा। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, हैंस प्रूव्ड। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी चेक कर लेते हैं, ये आ गया मेरा v डबल डैश x, अब मुझे क्या निकालना है किस पॉइंट पे, एट पॉइंट 3, 3 वैल्यू को रख दो x की जगह, -72, सो v डबल डैश एट पॉइंट 3 क्या आ गया -72, जो हमारा है लेस देन 0, और जब सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो वो पॉइंट क्या होता है लोकल मैक्सिमा। x इक्वल्स टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमाइज्ड हो जाएगी। सो कटेड पोर्शन की साइड कितनी हो गई, x इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल। रेक्टेंगल किसके अंदर है, गिवन फिक्स सर्कल, गिवन फिक्स सर्कल का मतलब क्या हुआ, उसकी जो रेडियस हम r लेंगे वो फिक्स्ड है, वो वेरिएबल नहीं है। लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, ये फिक्स्ड है, दिस इज नॉट वेरिएबल। मैंने सर्कल लिया है उसके अंदर मैंने रेक्टेंगल लिया है जिसके वर्टेसेस हैं ए बी सी डी, और
जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या है, आर. सो दिस इज आर, दिस इज आर. आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है किसको, रेक्टेंगल को, और ये शो करना है कि रेक्टेंगल इक्वल्स टू स्क्वायर. सबसे पहले टू मैक्सिमाइज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड क्या शो करना है, टू शो रेक्टेंगल इक्वल्स टू स्क्वायर, ये हमें शो करना है. ठीक है, अगर मैं साइड्स लेती हूं, लेट एल एंड बी आर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो मुझे क्या शो करना है, दैट एल इक्वल्स टू बी, ये शो करना है मुझे. ठीक है, एक मेथड ये है कि मैं एरिया कैसे लिखूं. एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ. मेरे दो वेरिएबल्स आ गए एल एंड बी, दो वेरिएबल्स आ गए. ठीक है, इसलिए मुझे एक और इक्वेशन चाहिए. वो दूसरी इक्वेशन कहाँ आएगी, देखो रेक्टेंगल है 90 डिग्री बनाएगा. यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री. ठीक है, तो हम ए डी सी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, ये मैंने एल लिया है और ये मेरी बी है, लेंथ एंड ब्रेथ. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, इन ट्राइंगल ए डी सी बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू टू आर होल स्क्वायर. ठीक है, यहां से बी निकाल लो, क्या आ जाएगा, अंडर रूट माइनस एल स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर, फोर आर स्क्वायर ये आ गई. इस बी की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, एल इंटू अंडर रूट माइनस एल स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर. सो ये जो बन गया, ये क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ एरिया इन वन वेरिएबल. यहाँ पे आर फिक्स्ड है, आर वेरिएबल नहीं है. उसके बाद ए डैश निकालो इक्वल्स टू जीरो रख के कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड मेथड क्या है, हमें अगर डायरेक्ट वन वेरिएबल की इक्वेशन मिल जाए तो बिकॉज इससे इक्वेशन लेंथी हो जाएगा. सेकेंड एंड ईजी वे देखते हैं, देखो मैं ये एंगल थीटा कंसिडर कर रही हूं. ठीक है, ये थीटा है और ये जो साइड है आर प्लस आर कितनी हो गई, टू आर. तो मेरा कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होगा, बेस एल है अपॉन हाइपरटेन्यूज क्या है, टू आर. तो यहां से मैं एल निकाल सकती हूँ, एल इक्वल्स टू टू आर कोस थीटा. ठीक है, अब मेरा साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर जो मेरा क्या है, बी अपॉन हाइपरटेन्यूज जो मेरा है 2r. यहां से मैं b निकाल सकती हूँ, b मेरा क्या होगा 2r sin थीटा. ठीक है, अब देखो r तो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है. यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, दैट इज थीटा, है ना. तो मैं एरिया लिख सकती हूँ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ क्या है मेरी 2r cos थीटा, ब्रेड्थ क्या है मेरी 2r sin थीटा. तो ये मेरा कितना आ गया, एरिया इक्वल्स टू 4r स्क्वायर cos थीटा sin थीटा. ये क्या हो जाएगा, 2 यहां से बाहर ले लो, 2 cos थीटा sin थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा. तो ये क्या बन गया, 2r स्क्वायर sin 2 थीटा, ये मेरा एरिया आ गया. ठीक है, हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है एरिया. 2 फिक्स्ड है, r भी फिक्स्ड है, यहां पे गिवन क्वांटिटी है. मींस हमें क्या मैक्सिमाइज करना है, sin 2 थीटा, साइन टू थीटा मैक्सिमाइज करना है. साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, वन. वन वैल्यू कब आएगी, वो निकालते हैं. ठीक है, सो टू थीटा इक्वल्स टू कब होती है, 90 डिग्री पे वन वैल्यू. थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री. तो 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, इस कंप्लीट की वैल्यू. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम तो निकाल लिया हमने, इस पॉइंट पे होगा लोकल मैक्सिमम. अब हमें क्या निकालना है, लेंथ एंड ब्रेथ. सो एल हमारा क्या था, 2r cos थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री रख दो, 2r cos 45 डिग्री. तो ये क्या आ गया, 2 बाय रूट 2r, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2r. ठीक है, ब्रेथ हमारी क्या थी, 2r sin थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री रख दो. सो ये मेरा क्या आ गया, 2 बाय अंडर रूट 2r,
इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट टू आर. अब यहाँ से देखो लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ हो गई. दिस इंप्लाइज एल इक्वल्स टू बी. लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, मीन्स ये रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर. दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. ये मेरा शॉर्टकट मेथड है, पर ये मेथड आप सीबीएसई में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस हैं. बिकॉज आपने स्टेप्स यहाँ मिस किया, फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं निकाला, सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकाला, बट ये मेथड आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं. देखो मैंने क्या किया, एरिया निकाल लिया. एरिया निकालने के बाद मैंने ये देखा है कि कहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो. टू आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम साइन की क्या होती है, वन पे होती है. तो टू थीटा मेरा क्या आ गया, 90 डिग्री. बिकॉज साइन वन कब होता है, 90 डिग्री पे. थीटा 45 डिग्री, 45 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू होती है. मैक्सिमम कर दिया, अब हमें क्या निकालना है, लेंथ एंड ब्रेथ. तो इसमें वैल्यूज पुट कर दी और मैंने देखा कि लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. अब हम वो मैथड देखते हैं जो हमें सीबीएसई में अप्लाई करना है. ए इक्वल्स टू टू आर स्क्वायर साइन टू थीटा तक तो सेम ही रहेगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, ए डैश थीटा निकालेंगे और डी ए बाय डी थीटा निकालेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे इसका. फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, टू आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, साइन टू थीटा का क्या होता है, कोस टू थीटा इंटू टू थीटा का टू. तो ये क्या आ गया, फोर आर स्क्वायर कोस टू थीटा. ठीक है, इक्वल्स टू जीरो करो. ए डैश थीटा इक्वल्स टू जीरो करते, थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा, कोस टू थीटा इक्वल्स टू जीरो. इक्वल्स टू कोस जीरो कब होता है, 90 डिग्री पे. तो टू थीटा क्या आ गया, 90 डिग्री. थीटा क्या आ गया, 45 डिग्री. उस केस में भी हमारा थीटा 45 आया था, पर इसके लिए हमें एक स्टेप और करना पड़ा. अब हमें क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है. सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, ए डबल डैश थीटा. यहां से देखो ये आ गया 8 आर माइनस 8 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा आ गया. इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 45 डिग्री. ए डबल डैश 45 डिग्री इक्वल्स टू माइनस 8 आर स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 दैट इज 90. साइन 90 कितना होता है, 1. तो ये कितना आ गया, माइनस 8 आर स्क्वायर, ये 1 हो गया. आर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, 8 कांस्टेंट है, माइनस साइन है, तो ये क्या हो गया, लेस देन जीरो. ठीक है, मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो. इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लेंथ एंड ब्रेथ हमें शो करना है. लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. ठीक है, मैक्सिमाइज हमने दिखा दिया कि मैक्सिमम एरिया है ए डबल डैश, थीटा लेस देन जीरो है, इट मीन्स मैक्सिमम एरिया, ये हमने शो कर दिया. अब हमें क्या शो करना है, लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल है, सो दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. तो अब लेंथ निकालो, लेंथ क्या है, 2r cos थीटा, थीटा की जगह 45 पुट करो, तो ये मेरा क्या आ गया, 2 बाय अंडर रूट 2r, जो मेरा क्या होता है, अंडर रूट 2r. ब्रेथ निकालो, ब्रेथ क्या है, वहां से 2r sin थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री रखो, सो ये मेरा क्या आ गया, 2 बाय अंडर रूट 2r, जो मेरा होता है अंडर रूट 2r. लेंथ आ गई अंडर रूट 2r, ब्रेथ आ गई अंडर रूट 2r. इट मीन्स लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ. दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन के ऊपर प्रॉब्लम है. शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल, ये मैंने कौन लिया है, सेमी वर्टिकल एंगल. सेमी मीन्स हाफ, ये एंगल जो है ये मैंने थीटा मान लिया, ये मेरा सेमी वर्टिकल एंगल है. कौन का, हमें क्या शो करना है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोर ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज 10 इनवर्स अंडर रूट 2. सबसे पहले हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करनी है वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इसको मैक्सिमाइज करना है और हमें शो करना है जो थीटा है, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स अंडर रूट 2 है, ये हमें शो करना है. ठीक है, मैंने हाइट एच से डिनोट किया, स्लैंट हाइट एल से डिनोट किया, ये हमारी स्लैंट हाइट होती है और रेडियस बेस का कितना है, आर है. ठीक है, वही दो मेथड्स हैं,
पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ए बी सी में, एक इक्वेशन आ जाएगी, एंड पाई आर स्क्वायर एच रखो, उसके बाद आर और एच को एलिमिनेट करके वन वेरिएबल की एक इक्वेशन बनाओ। वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, सो हम थीटा की हेल्प से करते हैं। ये थीटा है इन ट्राइंगल ए बी सी, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपरन्यूज, बेस क्या है एच, हाइपरन्यूज क्या है एल, तो ये क्या आ गया एच क्या आ गया यहां से एल कोस थीटा, ठीक है। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर आर अपॉन हाइपरन्यूज एल, दिस इंप्लाइज आर यहां से क्या आ गया एल साइन थीटा, ठीक है। तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में आर की जगह एल साइन थीटा रखो, एच की जगह एल कॉस थीटा रखो, और जो हमारी स्लैंट हाइट है वो फिक्स्ड है, वी इक्वल्स टू 1/3 पाई, आर की जगह रखा एल साइन थीटा होल स्क्वायर और एच की जगह रखा एल कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करो 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमें क्या निकालना है, डीवी बाय डी थीटा, डीवी बाय डी थीटा निकालो, निकालो प्रोडक्ट रूल। देखो 1/3 पाई एल क्यूब जो है वो तो फिक्स है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, उसको बाहर ले लो, उसका प्रोडक्ट रूल लगाओ, टू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो मेरा क्या आ गया डीवी बाय डी थीटा इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी। अब हमें क्या करना होता है, इक्वल्स टू जीरो पुट करो, डीवी बाय डी थीटा इक्वल्स टू जीरो, इट मींस 1/3 पाई एल क्यू साइन थीटा इंटू टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या आ गया, 1/3 पाई एल क्यू साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो और 2 cos square theta minus sin square theta equals to 0, यहां से क्या बन गया 10 square theta equals to 2, this implies 10 theta equals to under root 2, और यहां से क्या मिल गया हमें sin theta equals to 0, 0 का value होती है when theta equals to 0 degree, ठीक है, theta equals to 0 degree possible ही नहीं है, जो सेमी सर्कल है वो जीरो हो सकता है, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, थीटा इक्वल्स टू जीरो डिग्री इज नॉट पॉसिबल। अगर यहां पे थीटा इक्वल्स टू जीरो डिग्री लग रख देंगे, मीन्स कोई एंगल ही नहीं बन रहा, ये ओवरलैप कर जाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा क्या वैल्यू होगी थीटा की, थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ अंडर रूट 2, ये हमारी वैल्यू होगी है वी डबल डैश थीटा, जो मेरा ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, थीटा की जगह 10 इनवर्स अंडर रूट 2 पुट करना है, अब देखो ये तो हमारी फिक्स क्वांटिटी है, ये नेगेटिव है और ये स्क्वायर में है, साइन स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और कोस ऑफ 10 इनवर्स अंडर रूट 2 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो मींस होल इक्वेशन क्या होगी, लेस देन जीरो, इट मींस लेस देन जीरो है डबल डेरिवेटिव एट 10 इनवर्स अंडर रूट 2, इट मींस वॉल्यूम जो है मिनिमम है, वॉल्यूम इज मिनिमाइज्ड, सॉरी वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है, वॉल्यूम इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स अंडर रूट 2, हेंस प्रूव्ड। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 6 मार्क्स के इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं तो यू कैन सेंड मी ऑन माय फेसबुक पेज, दैट इज @simplifiedmaths1, and if you like my videos then don't forget to share and subscribe my YouTube channel so that it may help many needy ones.
वी सपोर्ट फॉर एजुकेशन डू यू